गुड मॉर्निंग, उठो। चलो जी चलो, लेट हो गए हम। लॉन्ग जर्नी। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? सो हम लोग अब यहाँ से चलने लगे हैं। तो हमने अपनी पैकिंग कर ली है, जो जो सामान था गाड़ी में रख लिए। काजल उधर एडजस्ट कर रही है। तो हम लोग अब जाने वाले हैं मणिकरण यहाँ से। यहाँ पे बड़ा मस्त है यार, बहुत सही जगह है ये। बारिश ने सारा काम खराब कर दिया। चलो कोई नहीं, यहाँ देखो किस तरीके से टांगे हुए हमारे, इनको जलाते हैं इन्होंने यहाँ पे टांगे हुए शो पीस के लिए। हाँ, यहाँ पर और भी लोग आ गए हैं इन टेंट्स के लिए। हम लोग जैसे कि अभी निकलने वाले हैं यहाँ से, तो मैंने अभी ड्रेस चेंज नहीं किया क्योंकि मणिकरण जाके हमको वहाँ पे नहाना ही है। तो मैंने सोचा कि वहीं पे ही जाके नहाने के बाद ही एक ही बारी में ड्रेस चेंज करेंगे, बार बार मुझसे नहीं हो पाएगा क्योंकि ऐसे ठंड भी है। बट अभी जैसे धूप लग गई है तो उतनी ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी यार जब नहाएंगे उसके बाद ही ड्रेस चेंज करेंगे। ये कुछ कुछ इन लोगों ने बदल दिया है, बट इनको पता लगेगा कैसी ठंड होती है। मैं तभी करूँगी। सो हम लोग कसौल से निकल चुके हैं मणिकरण के लिए। अब हम जाएंगे मणिकरण। कल ही बारिश वाला था ना, आज ये धूप वाला। शहर धूप, धूपा विच तू नी, खबा विच तू पढ़न च लगम पे, खबा विच तू वाइल्ड लाइफ कनावर। हाँ, ये देखिए सेंचुरी। हम लोग यहाँ नहीं गए, हम नेचर पार्क भी नहीं गए यहाँ पे। रघुनाथ मंदिर घड़े में क्या है? चावल। और ये जो पोटली है, चने। अच्छा, यहाँ पर जो पानी उबल रहा है उसमें ही यहाँ पर लंगर का खाना बनता है, क्योंकि ये बता रहे थे अभी यहाँ पे आलू वगैरह थे, दालें वगैरह थी, वो निकाल दी है, बट अभी यहाँ पे चावल रखे हुए हैं। तो यहीं पर सारा खाना वगैरह बनता है इसी पानी में, जो वहाँ पे बिच्छू को दिखाया था। गर्माहट पता कितनी है, गर्माहट आ गई। अंधेरा ही पूरा यार। सच में बाहर से पीछे तक ना गर्माहट थी और यहाँ जाके ठंडी ठंडी। यहाँ के लिए क्या करना है? यहाँ अंदर ना आना है कि बाहर ना आना है? पार का क्या पार है? ऊपर देखते हैं, पार भी देख के आते हैं, फिर यहाँ भी देखेंगे। पहले यहाँ देख के आए? हाँ, पहले यहाँ देखते दीदी। आज
अच्छा आपको हाँ वही ध्यान से गर्म तो नहीं ज़्यादा गर्म है? है गर्म है फिर कैसे नहाना बहुत ज़्यादा है ओ भाई यहाँ पर गर्म पानी है नहाने के लिए बट ये इतना ज़्यादा गर्म है कि इसमें तो पाँव भी नहीं रख पा रहे हैं यार ये बहुत ही गर्म है हाँ और चलो हॉट केव हॉट स्प्रिंग टेम्पल हाँ ये क्या है अब हम लोग चले हैं लंगर खाने देख लेकिन ये ट्रेन कोई सी नहीं सारे खकड़ हैं सारे खकड़ हैं हम लोगों ने ये हम लोगों के पास ये था नहीं तो हम लोगों ने यहीं से ही ये लिए है यहाँ पे देते हैं तभी हम लोग चले हैं लंगर खाने चलो जी हम लोगों ने अब लंगर कर लिया है अब हम लोग यहाँ से चले अपनी गाड़ी की तरफ को अब इस घर का जा रहे हम जा रहे हैं बिजली महादेव यहाँ काले काले आ रहे चलो और काजल वापस गाड़ी के पास पहुँच चुके हैं लेकिन भाई और भाभी की उनकी शॉपिंग ही ख़त्म नहीं हुई अभी तक हम लोगों ने भी की शॉपिंग बट वो लोग आए नहीं और हम लोग पहुँच भी गए उनको कॉल कर रहे हो अभी कि कहाँ हो आ जाओ चलते हैं अब हम लोग यहाँ से चल पड़े हैं और ये लोग हमारे लिए मालवाड़ी कुल्फी लेके आए मालवाड़ी क्या मालवाड़ी तो कौन सी रबड़ी कुल्फी रबड़ी अच्छा रबड़ी कुल्फी लेंगे राजवाड़ी है जो भी है मतलब मान लीजिए रबड़ी वाली कुल्फी लेके आए हैं अब हम लोग चले बिजली महादेव को हम लोग कसोल वापस पहुंच चुके हैं और यहाँ पे जय नेचर पार्क कसोल हमने सोचा था कि हम लोग अंदर घूमने जाएंगे बट हम तीनों के पास ही कैश नहीं है फिटे हैं वो अब पैसे लेके आते हैं हाँ ठीक है चल लेते हैं अब भाभी गए हुए रुपीज़ लेने क्योंकि भाई आ गए क्योंकि यहाँ पे पार्किंग के लिए गाड़ी मिली तो भाई गाड़ी में ही है कभी वो लेके आएंगे रुपीज़ तब हम लोग जाएंगे नेचर पार्क कसोल घूमने भाभी रुपीज़ लेके आ चुके हैं और वो कटवा रहे नहीं अडल्ट 20 है चाइल्ड की 10 है उधर पार पहाड़ पर बर्फ गिरी हुई है यार ये दिखती क्यों नहीं है फोन में क्या वो सुंदर है यार है ना नेचर पार्क घूम के आ चुके हैं और
इतना मज़ा किया ना हमने अंदर। अभी यहाँ पे कोई हमारे इसको क्या बोलते हैं काजल, क्या बोलते हैं, पंप, हाँ पंप से टायर भर रहे। तो हम लोग यहाँ पे अभी रुके हुए हैं कि पंप लेके जाना है, तो हम लोग यहाँ से पंप लेके निकलेंगे अपनी गाड़ी के पास। तो फिर हम लोग यहाँ से चले बिजली महादेव को। जिनके पास हमारा ये पंप था बेचारे, उनके गाड़ी के टायर के कुछ किसी ने निकाल ही दी, हवा ही निकाल दी थी, क्योंकि किसी की शॉप के आगे खड़ी की हुई थी। तो बोलते हम लोग यहाँ पे पार्क करके चले गए थे, क्योंकि उस टाइम बंद थी शॉप, तो जब तक वापस आए तब तक टायर गए, हुआ नहीं उनका काम जो था। बस तो हम लोग अब वापस चले फिर से अपनी गाड़ी के पास। काजल ने अपने एयरफोन्स वहीं नेचर पार्क में ही छोड़ दिया और हम लोग कसोल से काफ़ी आगे आ गए और इसको अब याद आ रहा है। तो अभी क्या बोला कि इस टाइम बाद क्या करो, जेब में रखे अपने। फिर मिले। हाँ जी, मैंने बड़ी अच्छी जगह पे बसाए थे, मेरे को भी नहीं दिख रहे थे। चलो शुक्र है मिल तो गए। 500 रुपए का काजल ने अपने एयरफोन छोड़े ना, तो इसलिए इसको जुर्माना लगेगा 500 रुपए का एक्स्ट्रा तेल। 100 रुपए बोलते तभी मैं सोचती, पर मैं 50 रुपए 1200 के लिए मित्र वो 100 रुपए। ओह इतने महंगे एयरफोन बेचारी के, 15000 के। ओह मुझे लगा 15000 के। हम लोग बिजली महादेव के लिए जहाँ से पैदल जाते हैं वहाँ तक पहुँच चुके हैं। यहाँ पर हम लोगों ने अभी कार पार्क की है, तो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, कितना थोड़ा ही दूर होगा है ना, 3-4 किलोमीटर में भी, क्योंकि यहाँ तक रोड बनी हुई है। यहाँ से आगे रोड है, लेकिन ऐसे बोल रहे कि रोड ख़राब है तो आगे ना ही ले जाए तो बेहतर होगा। तो हम लोग यहाँ से पैदल चले, देखते हैं कितना टाइम लगता है हमें ऊपर पहुँचने में। बिजली महादेव पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हम लोगों ने मत्था वगैरह टेक लिया है जो भी था, और अभी तक हम लोग फोटोज वगैरह ले रहे थे। इतना सही है ना यहाँ पे, चारों ओर नीचे एयरपोर्ट दिखता है पूरा, और ये लोग अभी इनका फोटो सेशन चला हुआ है। इतनी अच्छी अच्छी हवा चली हुई, ठंडी ठंडी हवा यहाँ पे। वो देखो नीचे भुंतर का एयरपोर्ट। मस्त है, पहाड़ों पे इधर बर्फ पड़ी हुई है साइडों में, पर ऊपर घुड़ू घुड़ू है,
यहाँ से दिख रहा है, इस साइड को नहीं पड़ी हुई बर्फ, ऊपर साइड को बर्फ पड़ी हुई है। ये भागो जल्दी इनके पास। हाँ हाँ, अंकुशा को फोटोज अच्छी नहीं मिल रही। हाँ वो देखो पार बर्फ पड़ी हुई उधर। हम लोग एक तो इस टाइम पे ऐसे टाइम पे है ना, जिस टाइम पे यहाँ पे फोटोज बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती। कट हो जाओ सारे, चलो हम लोगों ने बिजली महादेव के दर्शन भी कर दिए और हम लोग चले यहाँ से पराशर के लिए। सो, अब मिलते हैं आपसे हम पराशर में। कल का दिन हम लोग पराशर घूमेंगे और साथ में एक और जगह जाने वाले हैं और उसी के साथ साथ हमारा ट्रिप का एंडिंग भी हो जाएगा। चलो एक चीज नोटिस करी, हमारे बाद कोई भी नहीं था मंदिर में, सिर्फ दो लड़के थे हम लोग, मतलब लास्ट थे कि सब सेकंड लास्ट। और इधर भी अब बंद होने वाला है, मतलब कि अभी हम लोग लास्ट हैं। ठंड से बचने के लिए अच्छा है मास्क। ओ डॉगी, यहाँ पर भी अगर किसी ने टेंट लगा के रहना तो टेंट लगा कर भी रह सकते हैं। हम लोग भुंतर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हम लोग डिनर कर रहे हैं कि पराशर जाएंगे, वहाँ पे हम आगे बहुत मुश्किल है क्योंकि लेट हो जाएगी, तो हम लोग यहीं से डिनर करके निकलेंगे यहाँ से डायरेक्ट। हम लोग पराशर पहुंच चुके हैं और इतनी लेट पहुंचे हैं ना कि शुक्र है हम लोगों ने वहाँ पे भुंतर में खाना खा लिया, वरना आगे कहीं पर भी कोई होटल नहीं था, कोई ढाबा नहीं था। तो हम यहाँ पे एक तो इतनी लेट पहुँचे, फिर यहाँ पे पहुँचे और ऊपर से जगह नहीं मिल रही थी टेंट लगाने के लिए, तो आधा घंटा तो हमें टेंट लगाने की जगह ढूंढने में ही लग गया। बट यहाँ पे साथ में ही थी जगह, यहाँ पे देखा नहीं, बाकी सारी जगह देख रहे थे, तो यहाँ पर टेंट लगाया। अब हम लोग सोने लग गए, तो आपसे मिलते हैं कल, क्योंकि कल हम घूमने वाले हैं पराशर लेक। चलो मिलते हैं आपसे कल के ब्लॉग में।